Standard 9th, Social Science, Rise of the British Rule in India. India has enjoyed incomparable position in the world due to its economic prosperity and cultural inheritance. People from different nations of the world came to India. India ki kuch cheeze aisi thi jiski sabse zyada demand Europe mein thi, jaise ki spices, muslin, silk cloth, indigo, etc. और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में व्यापार करने के लिए आते थे। वो जो रास्ते थे आते थे वो रास्ता कॉन्स्टेंटिनोपल इन तुर्की के जरिए आता था। बट इन द 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज कॉन्केस्ट बाई द तुर्कीस मुस्लिम, सो द सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज क्लोज फॉर द यूरोपियन। और ये रास्ता यूरोपियनों के लिए बंद हो चुका था और इसीलिए ही नीड टू फाइंड आउट अ न्यू सी रूट टू इंडिया। सो डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्पिरेशन एंड इनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी की मदद से कुछ लोग न्यू सी रूट फाइंड आउट करने की कोशिश में लग गए, जिसमें एक था बार्थोलोमी डायस और उन्होंने केप ऑफ गुड होप नाम की जगह फाइंड आउट की गई थी। एक्चुअली दिस प्लेस वॉज इन द साउथ अफ्रीका। एंड इसी के साथ कुछ दूसरे सेलर थे, नाविक थे, उन्होंने भी इसे रास्ता फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, जिसमें एक स्पेन का राजा की मदद से क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया था और इस तरह से उन्होंने एक कुछ नया लैंड रूट फाइंड आउट किया गया था। बट एक्चुअली दिस वॉज इन द एटलांटिक ओशियन एंड दिस वॉज एक्चुअली इन वेस्ट इंडीज। और इस तरह से वो जिंदगी भर यही सोचता रहा कि मैंने नया सी रूट टू इंडिया फाइंड आउट किया, बट एक्चुअली दिस वॉज अमेरिका, दिस वॉज क्लैरिफाइड बाई द अमेरिको वेस्पुसी। इसके बाद पोर्टुगीज सेलर वास्को द गामा ने एक्चुअली में नया सी रूट टू इंडिया फाइंड आउट किया गया था इन 1498 में। और जब वो इंडिया में आया तब वहाँ का जो किंग था वो जामोरिन था और वो कालीकट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पहुँचा था और वहीं पर जामोरिन ने उसको वेलकम भी किया गया था और उनको यहाँ व्यापार करने के लिए पूरी परमिशन भी दे दी गई थी। अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, अब इसमें से ब्रिटिशर्स कैसे यहाँ पर आए और व्यापार का ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पोर्टुगीज उन्होंने वैसे देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1500 से लेकर 1600 तक अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स में बहुत सारे टेरिटरीज में उन्होंने व्यापार का जो ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल दीव, दमन, गोवा, कोची, मल्लाका एट्सेट्रा। इसके बाद यहाँ पर डच फ्रॉम होलैंड से भी आए थे। इसके बाद डेनिश प्रजा आई थी डेनमार्क से, उन्होंने भी यहाँ पर व्यापार चालू कर दिया गया था। एंड देन इंग्लिश ट्रेडर्स एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद द इंडिया। इंग्लिश ट्रेडर्स का मतलब होता है अंग्रेज अधिकारियों, जो अंग्रेज लोग थे वो ब्रिटेन से इंडिया में व्यापार करने के लिए वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ की हेल्प से इंडिया पहुँचे थे। और उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड इन सूरत, यहाँ पर सूरत में वो आया था। बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन ऑफ द पोर्टुगीज दे वे नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश द ट्रेड सेंटर। यहाँ पर वो पोर्टुगीजों ने उसको हेल्प नहीं की गई, उसका अपोज किया और इसीलिए उनको कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी और इसीलिए उन्होंने मुगल इम्पीरियर जहांगीर की मदद लेकर इंडिया में व्यापार चालू करने की कोशिश की। और इसमें 1613 में एस्टैब्लिश किया गया था सूरत में सबसे पहले व्यापार करना गया और सूरत के साथ साथ इन द भरूच इन द अहमदाबाद ऑल्सो स्टार्टेड द ट्रेड सेंटर। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठा इन दिस रीजन, वहाँ पर मराठा लोगों की सबसे ज़्यादा ताकत और यूनिटी थी और इसीलिए उनके साथ लड़ाई करने से अच्छा था कि वो कोई और रास्ते पर चले जाए और इसीलिए वो ज़्यादातर दूसरी साइड में मूव हो गए टूवर्ड्स द साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द इंडिया, जिसमें मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, सेंट जॉर्ज जो चेन्नई में है, फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है और इसके बाद 1687 में मुंबई को हेडक्वार्टर बना दिया गया था और इस तरह से इंडिया में व्यापार करना उन्होंने चालू कर दिया गया था। इसके बाद उसका कंपिटिटर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर द ट्रेड इन 1668 में और यहाँ पर आकर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, करैकल, पोंडीचेरी जिसे पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एट्सेट्रा हर जगह पर उसका व्यापार करना चालू कर दिया गया था। बट इन द 18th सेंचुरी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कंपटीशन सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, और इसके कारण 1746 टू 1763 में 3 times कर्नाटक में वॉर हो चुका था, और इस वॉर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंप्लीटली लॉस्ट, और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रास्ता इजी रह चुका था कि वो कई जगह पर भी खुद का व्यापार एस्टैब्लिश कर सकते थे। और इसके कारण पोर्टुगीजों के पास सिर्फ दीव, दमन एंड गोवा में व्यापार करने के लिए ट्रेड सेंटर बचा, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चंद्रनगर, माहे, करेकल एंड पौंडीचेरी में सिर्फ व्यापार करने का रास्ता बचा था। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज व्यापार और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर आए थे, बट इसमें से फाइनली सबसे ज़्यादा सक्सेस मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटेन से आए हुए थे।